अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मोना के किचन में आप सब लोगों के साथ बनाने लगी हूँ बम्बई बिरयानी, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, तकरीबन किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 12 पीसीज हैं ये टोटल चिकन के बड़े वाले, ठीक है। प्याज ब्राउन करके, ये 1.5 प्याज है, मैंने उसको इसी तरह ब्राउन किया। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रंची बना है। ये शामिल करूँगी, ये मैं इसकी रेसिपी आपको बता चुकी हूँ इसको कैसे ब्राउन करना है, कैसे क्रिस्पी करना है। और इसमें मैं 6-7 टमाटर शामिल कर रही हूँ, 3 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 2-2 चम्मच ले रही हूँ अदरक लहसुन के पेस्ट के, पुदीना शामिल कर रही हूँ, 3-4 चम्मच पुदीने के बन जाएंगे इस तरह से काटा हुआ, धनिया शामिल कर रही हूँ, 3-4 इसी तरह चम्मच बन जाएंगे इसके भी। तो 1 पाव मैं इसमें दही शामिल करूँगी और आलू शामिल करूँगी, बम्बई बिरयानी में आलू भी जाते हैं। तो ये बिरयानी मसाला, मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, 3 गिलास चावल, ठीक है, बड़े 3 गिलास चावल, 1 किलो चावल के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच ही बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला जो अपना होममेड बनाया हुआ है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें चावल भी बता दिए मैंने आपको और कैसे बनानी है ये मैं आपको, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एक पतीले में मैंने ये पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ये आपने ले लेना है, 1 किलो चावल हैं तो आपने तकरीबन 2 किलो पानी लेना है, 2 लीटर से अबव पानी लेना है आपने, ठीक है, और उसको बॉईल होने देना है। एक बादियान के फूल शामिल कर देने हैं, आपने ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल करना है, तकरीबन ये देखें इतना 2 टेबलस्पून बन जाए क्रिस्पी होते हुए, इस तरह करके ये शामिल कर देना है आपने। 1 किलो चावल है तो 3 चम्मच मैं इसमें नमक के शामिल करूँगी बिरयानी में, क्योंकि 1 किलो चावल 3 गिलास बनते हैं, 3 गिलास के हिसाब से 3 चम्मच डाल देती हूँ, आपके लिए इजी बता रही हूँ ये टिप मैं, जितने ग्लास चावलों के हों उतने ही चम्मच, खाने के चम्मच नमक शामिल कर दें पानी में। बिरयानी के लिए पानी बॉयल हो गया, अब हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। चावल जब बिल्कुल जब 3 कनी पे आ जाएंगे तो फिर हम इसको ड्रेन कर देंगे, पानी से लदा कर देंगे। एक कढ़ाई में तेल लिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं साथ ही चिकन डाल के फ्राई करती हूँ। देखें जी, अभी हमने इसमें बम्बई बिरयानी मसाला डाल दिया, मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, अच्छी तरह भूनते भूनते अभी साथ ही हमने इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर देनी है, फिर टमाटर हमने रखे थे इनको ग्राइंड कर दिए और फ्लेम हमने इसका तेज़ ही रखना है, इसको भुनाई करते रहेंगे, ना तेज़ फ्लेम होगा उतनी अच्छी भुनाई होगी चिकन की भी, और एक स्पेसिफिक सी इसकी स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही हमने इसमें योगर्ट जो थी, दही मैंने 1 पाव बताई थी वो शामिल कर देनी है। अभी साथ ही पोटैटो शामिल करूंगी मैं, उनको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया, अभी मैंने भुनाई की है उसकी अच्छी तरीके से पकने के लिए रख दिया था। अब देखें इसका पानी खुश्क हो गया, इसमें प्याज ब्राउन करके ऊपर से प्याज शामिल कर देते हैं, जो प्याज ब्राउन किए हुए थे धनिया शामिल कर दिया साथ ही। देखिए कितना मज़े का मसाला बिरयानी का रेडी हो गया, चिकन भी सॉफ्ट हो गया, चावलों को मैंने इस तरह से ये देखें छान लिया पानी में से, पानी अलहदा कर लिया इसका, और ये 3 कनी होने चाहिए तब के पानी अलहदा कीजिएगा, ये देखें ये 3 कनी हो गए जिनके, इसके जब तोड़ें तो 3 हिस्से बन जाए चावल के, बिल्कुल चावल नरम नहीं करने हमने। अब इसकी हम लेयर्स लगाएंगे, सबसे नीचे चावल की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर फिर चिकन के पीसीज और थोड़ा मसाला लहदा लहदा करके बिखरा देंगे, इस तरह से इसकी लेयर्स लगाते जाएंगे, थोड़े थोड़े चावल शामिल करेंगे, फिर बिरयानी का मटेरियल शामिल करेंगे उसमें चिकन का, इस तरह जर्दे का रंग ये हमने इस तरह से पानी में मिक्स कर लिया था जर्दे का रंग, तो इसको लगाएंगे इसकी इस तरह से ऊपर लगा दिया चावलों के ऊपर गिराया 2-3 चम्मच, पानी में मिक्स करके भी लगा सकते हैं आप जर्दे का रंग,
और दूध में भी मिक्स करके लगा सकते हैं, इस तरह छिड़क सकते हैं। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड ही करना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे गिरा दें। सारा मसाला एंड तक हमने डाल दिया। पुदीना आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल दें, ज़्यादा ग्रीनरी अच्छी लगती है तो इस वो भी डाल दें। अभी मेरे पास लेमन नहीं है, इसके ऊपर लेमन भी काट के डालें, बड़े मज़े के लगेंगे। तो मैं छलनी रखती हूँ, एक दम पे रखते हैं इसको। छलनी नहीं भी है तो आप ऐसे भी तवा वगैरह रख के भी दम पे रख सकते हैं। इसको ढक देते हैं अभी ऊपर से 20-25 मिनट के लिए, इसको मैंने दम पे रखा। चलिए देखती हूँ, जी बिरयानी रेडी है हमारी बिल्कुल। और 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखना बहुत मस्ट होता है, ताकि ये सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएं बिल्कुल। मैं तो मिक्स करने के बाद भी अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, मिक्स करने के बाद भी 5 मिनट और दम पे रखती होती हूँ। देखें कितने खिले खिले से राइस बने हैं, कितने मज़े के बन लग रहे हैं अभी से, और इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में खुशबू फैल गई है। ये देखें, इसको हमने डेकोर कर दिया और डिश आउट किया, मैं यम्मी मज़े की बम्बई बिरयानी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।